हाय गाइस, आज के टॉपिक में हम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट स्टडी करेंगे। इसमें कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में जो है दो साइकिल्स यूज़ की जाती हैं, एक ब्रेटन साइकिल जिस पे गैस टर्बाइन ऑपरेट होता है और दूसरी रेनकाइन साइकिल और जिस पे स्टीम टर्बाइन रन होता है। तो यहाँ पर हमने ये गैस टर्बाइन का सेटअप है और ये है स्टीम टर्बाइन का सेटअप। मीन्स द कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है वो दोनों को यूज़ करता है, रेनकाइन गैस टर्बाइन को और स्टीम टर्बाइन को। पहले पार्ट में क्या होता है ये देखिए, पहले हमने कंप्रेसर से एयर सक की और उसको कंप्रेस किया, यहाँ से जाकर कंबशन चैम्बर में आई, यहाँ हमने इसको हीट दी जैसे गैस टर्बाइन ऑपरेट होता है। कंबशन चैम्बर में हमने एयर को हीट दी, फिर ये हार्ट फ्लू गैसेस हो गई, उसके बाद जो फिर हमने गैस टर्बाइन में हिट करवाया, फिर जो हार्ट फ्लू गैसेस हैं वो यहाँ से आएंगी और जो मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है वो फिर कंप्रेसर को ड्राइव कराएगा। और जब ये हार्ट फ्लू गैसेस आएंगी यहाँ पर, तो हमने ये हार्ट फ्लूज को हमने बजाय के ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें, उसके लिए हमने हार्ट फ्लू गैसेस को यहाँ से बॉयलर लगाया। वो बॉयलर जो है स्टीम को हीट करने के लिए यूज़ होता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्टीम टर्बाइन का टेम्परेचर होता है वो 500 से 600 सेंटीग्रेड होता है और जो गैस टर्बाइन का टेम्परेचर होता है वो नियरली 1500 सेंटीग्रेड होता है। इसलिए जो आउटपुट गैसेस हैं वो बॉयलर को ईजीली हीट कर सकती हैं और वो वाटर में से स्टीम कन्वर्ट कर सकती हैं। सो बॉयलर आएंगी स्टीम देन टर्बाइन स्पेट करेगी, टर्बाइन के बाद जो वर्क आउटपुट जनरेट के लिए होता है फिर जो स्टीम टर्बाइन है वो स्टीम को कंडेंस के बाद जो वाटर कूल करने के लिए आता है वो कूलिंग टावर में से आएगा। ठीक है, ये था कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। और ये जो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है दोनों साइकिल को यूज़ करके जो इफिशेंसी बढ़ी है वो 50% मोर देन इफिशेंसी है इस कम्पेयर टू द स्टीम टर्बाइन। जो स्टीम टर्बाइन पहले रन करते थे सही है, उससे 50% मोर स्पीड है देन द ऑलरेडी वर्किंग स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट। सो दिस इज़ द कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ईजी डिफाइंड। और अगर आपको बॉयलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर की स्टडी करनी है या आपको कूलिंग टावर की स्टडी करनी है, कूलिंग टावर का शेप ऐसा क्यों होता है, ये सारे सवाल, और कंडेंसर कैसे कंडेंस करता है, ये सारे सवाल के जवाब और भी मेरे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं।